नमस्कार दोस्तों, हक इन क्रेज सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि दो नंबर्स का सब्स्ट्रक्शन किस तरह से किया जाए सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। आज के टॉपिक पर बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, और आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको ऑपरेटर एंड इट्स टाइप टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और डिटेल्ड नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर भी इनको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आज का टॉपिक और आज के जो लेक्चर है वो आपको 100% समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सब्स्ट्रक्शन का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सब्स्ट्रक्शन का प्रोग्राम बनाने के लिए वही सबसे पहले अपने को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से इंक्लूड करनी होगी, उसके बाद मेन फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। और मेन फंक्शन के बाद मैंने लोकल वेरिएबल डिसाइड किए हैं यहाँ पर, इंटीजर ए इक्वल टू 18 और बी इक्वल टू 9 और सी। ये इसलिए कर रहे हैं लोकल वेरिएबल कि सी में हमारा ए और बी माइनस होकर स्टोर हो जाएगा। स्क्रीन को क्लियर कर दिया है, क्लियर स्क्रीन लगाकर, और उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दिया है सी इक्वल टू ए माइनस बी। अब उसके बाद प्रिंट कर दिया है प्रिंट एफ में लिख दिया है सब या सब्स्ट्रक्शन इज इक्वल टू और परसेंटेलिटी दैट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर, और उसके बाद कॉमा सी लिख दिया है, यानी कि जो भी आपका सी होगा उसकी वैल्यू हमारे परसेंटेलिटी से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद गेट सेस लगा दिया स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। तो ये है हमारा एक प्रोग्राम सब्स्ट्रक्शन का। अब देखते हैं इसको कंपाइल और रन करने के बाद क्या होता है। देखिए, कंपाइल किया, एक भी एरर नहीं दिखा रहा है, यानी कि हमारा प्रोग्राम बना तो बिल्कुल ठीक है। रन करते हैं, देखिए रन करने पर दिखा दिया सब इज और 9, यानी कि जो सब्स्ट्रक्शन आ रहा है वो 9 आ रहा है। प्रोग्राम हमारा ठीक है, 18 माइनस 9 9 होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें स्लाइडली चेंज करता हूँ और एक कंसेप्ट और क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ आपका। यहाँ पर देखिए, फ्लोट ए इक्वल टू 18 और बी इक्वल टू 9 लिख दिया है मैंने, और अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ तो क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए रन हुआ, 0 आंसर आ रहा है, बिल्कुल उसी की तरह जिस तरह से हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था। देखिए परसेंटाइल एफ लगा दिया, यानी कि फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब रन करते हैं, देखिए रन हो गया 9.0000। अब यहाँ पर देखो कि फ्लोट हमने ए इक्वल टू 18 और बी इक्वल टू 9 लिया है और आउटपुट में 0.00 दिखा रहा है। तो उसका बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपने 18 लिया हुआ है कि 18.00 इसको कंसीडर करता है, 9 को भी इसी तरह से 9.00 कंसीडर करता है। आइए थोड़ा सा एक इसमें चेंज और कर देता हूँ मैं। अगर हम फ्लोट की बात करते हैं, यहाँ पर 9.5 लिख देते हैं, ठीक है। अब इस 9.5 को हम अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए एरर कोई नहीं है। और रन करते हैं तो दिखा दिया 8.500, यानी कि हमारा ये प्रोग्राम भी बिल्कुल ठीक है और जो आउटपुट आ रहा है वो भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये था हमारा सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द टाइम ऑफ क्विक रिविजन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा कि हमने दो डेटा टाइप का यूज़ किया था, इंटीजर और फ्लोट। दोनों टाइप के डेटा टाइप्स का हमने यूज़ करके प्रोग्राम बनाया, जिसमें कि हमने वैल्यू दी थी 9 और 18, और 18 में से 9 को माइनस करके 9 आ गया। एक बार वैल्यू हमने 9.5 दी थी जब हम फ्लोट की बात कर रहे थे, तो माइनस करके 8.5 आ गया। हमने यहाँ पर एक फ्लोट का ये भी कंसेप्ट क्लियर किया कि अगर हम फ्लोट करके कोई 18.0 या फिर कुछ नहीं लिखते, नॉर्मली इंटीजर की तरह वैल्यू लेते हैं, तो हमारा जो कंपाइलर है वो उसको ट्रीट करता है एज अ फ्लोट, यानी कि वो अपने आप से 18.00 मान लेता है। फार्मूला अप्लाई किया था सी इक्वल टू ए माइनस बी नॉर्मल, और उसके बाद सब्स्ट्रक्शन इज परसेंटाइल डी, और अगर हमने फ्लोट यूज़ किया था तो परसेंटाइल एफ कॉमा सी। तो इस तरह से था हमारा सब्स्ट्रक्शन का प्रोग्राम। आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इसमें वैल्यूबल थिंग्स हमने शेयर की आपके साथ। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, एंड दिस चैनल इज़ न्यू सो प्लीज़ सपोर्ट अस। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी सी प्रोग्राम सीख सकें।
और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ मी जी कृष्णा चौहान एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।